हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ब्यूटीफुल रूम के कलर्स डिजाइंस देख रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके जब भी आपको घर का कलर करवाना हो तो आपको कौन सा कलर करवाना है, कौन सा बेस्ट है। जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस होता है, किसी को डार्क पसंद आता है, किसी को लाइट कलर्स पसंद आते हैं। मेरा तो मानना है कि लाइट कलर्स ज़्यादा बेटर रहेंगे मेज दीवारों के लिए। जैसे हॉल में अगर आपको करना है तो लाइट कलर्स ज़्यादा प्रेफर है। मीन्स उसके वजह से क्या है, ज़्यादा मीन्स आपको घर भी एकदम ब्राइटनेस भी ज़्यादा दिखेगा, उससे फील भी अच्छा आता है। मीन्स आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने कई ब्राइट कलर्स के डिज़ाइन दिखाए हैं। क्योंकि आजकल जो पेंटिंग है, कलर रूम पेंटिंग, हमारे घर के इंटीरियर पार्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल आप देखोगे कि किसी के भी घर पे आप जाओगे तो आपको कलर्स मीन्स एक से एक कलर आपको डिजाइन्स देखने मिलेंगे। नॉर्मल कलर से लेके आपको रॉयल कलर, जैसे प्लास्टिक कलर है, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर है, इवन रॉयल टचअप रॉयल कलर्स भी आते हैं एक्रेलिक का। तो उसके ऊपर बजट के ऊपर है कि मैं जैसे आप थोड़ा रॉयल वाला कराओगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, अगर प्लास्टिक में भी इवन ज़्यादा खर्चा ही आता है। लेकिन उससे क्या, ज़्यादा दिन चलता भी है आपका दीवार, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होएंगे। और अगर कुछ उसमें मिट्टी वगैरह लग जाता है तो कलर्स में, तो आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं। मीन्स जो डिस्टेम्बर कलर से वो थोड़ा मीन्स हल्का क्वालिटी होता है, और उससे ज़्यादा दीवार भी मीन्स अब कुछ लग गया, दाग दग गए तो उस पर क्लीन भी नहीं कर सकते। मीन्स फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वीडियो में ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के कलर्स ही यूज़ किए हमने, प्लास्टिक पेंट वगैरह। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई हेल्प होता है, आपको कौन से कलर्स चॉइस मीन्स एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके घर के लिए कौन सा बेटर है, तो आप अपने पेंटर को भी बता सकते हैं कि इस तरह का कलर मुझे चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि मीन्स वो कलर्स कौन सा है, तो उसमें आसानी भी होगी आपको घर के कलर करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।